ये था कि इस केस के अंदर जो बैंकर्स हैं उनके रोल के ऊपर एफआईए ने कोई हतमी जवाब जमा नहीं करवाया है कि बैंकर्स के साथ क्या सलूक किया जाएगा, कि वो बैंकर्स जिन्होंने ये अकाउंट्स खोले उसके ऊपर जो आज एक रिपोर्ट पेश की गई बैंकर्स के रोल को लेके एफआईए की तरफ से, वो अदालत में पढ़ के भी सुनाई गई। उसमें बैंकर्स का रोल जो था कि इसमें एफआईए का ये मानना है कि बैंकर्स की क्रिमिनलिटी के सबूत नहीं मिले, जो इसके अंदर बैंकर्स इन्वॉल्व थे उनका जो कंडक्ट था वो रेगुलेटरी फेलियर का था, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो जो 14 बेनामी इनके अकाउंट होल्डर्स हैं जो इनके मुलाजमीन हैं उनकी एडमिटेड पोजीशन ये है कि ये अकाउंट्स खोले हमने खुद थे लेकिन उनकी माँ पे खोले थे, तो अब इस चीज़ के अंदर बैंकर्स का मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। तो लिहाजा बैंकर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने जब इन अकाउंट्स के अंदर जहाँ पे आप अकाउंट आपके खुले हुए अकाउंट तो पुराने खुले हुए थे, जो मुलाजमीन के तनख्वाह वाले अकाउंट्स थे, किसी की 15,000 किसी की 5,000 किसी की 20,000 तनख्वाह थी, जब उनमें अरबों रुपये ट्रांजेक्ट हो रहे थे तो उन बैंकर्स को उसके ऊपर एसटीआर जनरेट करनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तो लिहाजा एफआईए ने उन बैंकर्स के किरदार को लेके रोल्स को लेके, और उनका एक नंबर भी बहुत ज़्यादा है बैंकर्स का, कोई 25-30 के करीब बैंकर्स बन जाते हैं, उनके रोल से मुतल्लिक स्टेट बैंक को उनका केस रेफ़र कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर इन बैंक्स और इन बैंक्स के मुलाजमीन के ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहती है वो कर सकती है, क्रिमिनल ट्रायल के लिए उनको इसमें से मिनहा कर दिया गया है। ये रिपोर्ट भी आज अदालत में पेश कर दी गई, उसके बाद आर्गुमेंट्स हुए दोनों साइड के, और फिर अदालत ने जब अपना फैसला रिजर्व किया, और भी कुछ देर पहले उनका ऑर्डर आ गया है, रिटर्न ऑर्डर आ गया है, और उस रिटर्न ऑर्डर में उन्होंने एफआईए की जो दरख्वास्त थी कि जुरिसडिक्शन इस कोर्ट की नहीं बनती उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो चलान था वो एफआईए को वापस कर दिया इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि जो भी उसकी रेलिवेंट जुरिसडिक्शन की अदालत है आप ये चलान उसमें जमा करा दें, और जो मुलजमान इस केस में दो थे जो इंटरिम बेल के ऊपर थे उनको 7 रोज के लिए एक इंटरिम बेल फर्दर एक्सटेंड कर दी कि वो फिर जो रेलेवेंट कोर्ट जिसकी जुरिसडिक्शन है अपनी जमानत का मामला भी वहाँ ले जाएं। तो ये अभी इस केस का स्टेटस है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होना है कि ये केस अब इसके बाद एफआईए की तरफ से एंटी करप्शन की जो जुरिसडिक्शन है उसकी अदालत में फ़ाइल किया जाना है, चलान वहाँ दाखिल होगा और उसके बाद मामलात वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ऑफकोर्स आप वो फिर देखेंगे, वो जो पूरा एक ट्रायल का सिलसिला होता है वो शुरू होगा। ये केस, इस केस के बारे में एक क्लैरिटी, और जो कुछ दिन पहले ये लाहौर हाई कोर्ट भी गए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये केस आप लोगों की याददाश्त के लिए बताना ज़रूरी है कि ये केस एफआईए का जो शुरू हुआ, ये शुरू हुआ जब शुगर कमीशन बनाया गया, और शुगर कमीशन ने जब मुख्तलिफ केसेस फैक्ट्रीज़ को देखा तो उसमें रमज़ान शुगर मिल के केसेस में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स का पता लगा, और उसके नतीजे में ये फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, और वो इन्वेस्टिगेशन जब सामने आई तो ये तमाम रमज़ान शुगर मिल को लेके उसमें इन अकाउंट्स का पता चला और उसके ऊपर वो केस बनाया गया, और मनी लॉन्ड्रिंग चूँकि एफआईए की जुरिसडिक्शन है तो इसलिए एफआईए ने केस बनाया। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि 2-4 रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब और इनके वकला लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हैं कि जी ये तो मामला ऑलरेडी नैब में चल रहा है, और उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि नैब में जो मामला चल रहा है वो तो और मामला है, और आपकी पटिशन के अंदर भी आपने दोनों का तो कोई तकाबली जायज़ा तो दिया नहीं कि किस तरह से ये सिमिलर केसेस हैं, क्योंकि पब्लिक में वो बार बार जाके ये कहते हैं, आप जितनी वो मीडिया टॉक्स करते हैं कि ये देखें जी यही केस तो हमारा एफआईए में चल रहा है, यही केस हमारा नैब में चल रहा है। हम बारहा इनको अर्ज़ कर चुके हैं कि आप मनी लॉन्डरर हैं ये बात तय है, अब आपने एक वारदात चीचावतनी में की है तो उसका मुकदमा अलग चलेगा, दूसरी पत्तोकी में की है उसका केस अलग चलेगा, चौथी वारदात आप कहीं और करेंगे उसका मामला अलग चलेगा, हर ऑफेंस जो है वो सेपरेट होता है अनलेस रेंटल उसका आपस में कुछ हो। जो एक ही चीज़ इसके अंदर रब्त है वो यही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने उस केस में भी की है जो नैब के पास है और इसमें भी की है, और ये भी कमाल हैरत की बात थी कि इनकी तरफ से दरख्वास्त ये थी कि शायद इनका केस नैब को भी भेज दिया जाए, तो ये भी इनकी बड़ी एक नई ख्वाहिश आ गई है, कभी कहते हैं हमारा केस नैब से निकाल दिया जाए, नैब बड़ा बुरा इदारा है, कभी कहते हैं हमारा केस नैब भेज दिया जाए। तो अदालत के सामने जब वो कोई ये जवाब नहीं दे सके तो इनको अपनी पिटीशन वहाँ से वापस लेनी पड़ी, वरना एडवर्स ऑर्डर आ सकता था।
तो इसलिए वो केस उनका लाहौर हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया। लिहाजा इनका ये जो क्लेम पब्लिक में है, बारहा ये रिपीट करते हैं कि हमारा तो जी एक ही केस है, ये FIA वाले भी अलग चला रहे हैं, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो फेल हो गया। इसलिए इनकी पोजीशन आज की डेट में शहबाज शरीफ की पोजीशन, चाहे वो सियासी सतह पर हो या कानूनी सतह पर हो, वो है डिसमिस्ड एज विड्रॉन। जो दरख्वास्तबाजी ये इकतदार में आने के लिए करते थे वो भी डिसमिस हो गई, और जो दरख्वास्तबाजी अदालतों में रिलीफ के लिए करते थे वो भी डिसमिस हो गई। अब इनको जवाब देने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में जो जवाब देने हैं वो अदालत में एक अपनी लीगल स्ट्रेटजी के मुताबिक चलेंगे, मुझे यकीन है ये बड़ा कोशिश करेंगे मामले को ड्रैग करें, इंशाल्लाह तमाम इदारे जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और इसको आगे चलाएंगे। लेकिन कुछ जवाबात देखिए, हम एक महज़ब माशरा हैं, महज़ब माशरों के अंदर जो सियासी लीडर होते हैं और अपनी तरफ से वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनको कुछ जवाब देने चाहिए, और उन्होंने वो आज तक कभी उस सवालों का जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने ना उनके किसी तर्जमान ने आज तक। दो तीन अगर आप बेसिक चीज़ें ही समझ लें कि आप कम अज़ कम उसका जवाब तो दें। आज कोई स्कैंडल बनता है किसी और के ऊपर तो उससे बार बार पूछा जाता है कि जी आप इसका स्पेसिफिक आपका क्या स्टांस है, वो कोई स्टांस नहीं देते। वो एक स्टांस देते हैं जी कि ये कारोबार का मामला जो है मेरे बच्चों से पूछा जाए। भाई आपके बच्चों से कैसे पूछा जा सकता है, आप ना सिर्फ उनके वालिद हैं बल्कि आप उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे 10 साल के लिए, और उन्हीं 10 सालों में ये सारे मामलात हुए। जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं होते आपके बच्चों का कारोबार नहीं बढ़ता, आप कम अज़ कम इस सवाल का जवाब तो दे दें। आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो रमज़ान शुगर मिल जो आपके बच्चों ने अपनी मेहनत से नहीं बनाई, आप खुद पहले इस मिल के सरबराह थे, ये मिल आपकी बनाई हुई नहीं है, ये आपके बच्चों ने मेहनत करके, कोई सलमान शहबाज ने जब ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली पता नहीं कैसे ली उसको, कोई ऑक्सफोर्ड वालों ने साथ मिल की चाबियाँ नहीं दे दी थी कि रमज़ान शुगर मिल बेटा जाके चलाओ और वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करो। ये मिल आपकी बनाई हुई है, आपकी बनाई हुई मिल के अंदर ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपके मिल के अकाउंट्स के ऊपर STR जनरेट नहीं होती थी। आप चीफ मिनिस्टर थे तो बैंकर्स भी आपसे सवाल नहीं कर सकते थे कि ये पैसा कहाँ आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है। आज कोई भी हम में से जाके अगर बैंक में 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करता है तो 4 सवालों का 6 सवालों का जवाब देना पड़ता है। उससे बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो आपको डॉक्यूमेंट्री सबूत देना पड़ता है, भाई पैसा कहाँ से आया, किधर गया है। तो ये क्या मामला था कि क्या आपका जो सियासत से जिनका ताल्लुक नहीं था, सलमान शहबाज या हमज़ा तो सियासत में था, क्या वो इतने ज़्यादा जोरावर थे कि रेगुलेटर्स उनके सामने बोलते नहीं थे? उनका सारा जोर आपके चीफ मिनिस्टर होने की वजह से था। और एक और सवाल जिसका शहबाज शरीफ साहब अभी जवाब नहीं देते और उनको आवाम के सामने भी जवाब देना होगा कि ये जो औरंगजेब बट वाला मामला था ये क्या मामला था? उसने गुलजार के अकाउंट में जो कि एक PN है आपके, उसमें कैसे जमा करवाए पैसे, जो वो कहता है कि वो पैसे तो उसने आपको दिए थे, और वो पैसे उस अकाउंट में जमा कराने वाला मसरूर अनवर जो आपका को अक्यूज्ड है, वो नैब के केस में भी को अक्यूज्ड है, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो गुलजार के अकाउंट में वो चेक जमा भी कराता है, वहाँ से कैश भी निकालता है, और आपके ज़ाती अकाउंट में, शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में कैश जमा भी कराता है। तो क्या ये सवाल का जवाब शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं कि मसरूर अनवर ये क्या किसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर गुलजार के अकाउंट से पैसे निकालता था और शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जमा कराता था? आप एक सियासी लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, आप घंटा घंटा कौम को भाषण देते हैं, हमें असेंबली में भाषण देते हैं, आप उस घंटे में से सिर्फ 3 मिनट इस बात पे खर्च कर दीजिए कि ये लोग कौन हैं, इनसे आपका ताल्लुक क्या है, आपको अपने आप को क्लैरिफाई करना है। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम वो जो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने किया है, वो जो 2 दिन पहले उसने पार्लियामेंट के सामने माफ़ी मांगी है कि वो पार्टी थी या नहीं थी, सरकारी थी या गैर सरकारी थी, मुझे नहीं पता, मैं अपने गया था कि नहीं गया था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कम अज़ कम ये बता दें, पैसे तो आए हैं आपके अकाउंटों में और आपके बेनामी अकाउंटों में, कौम को बता देते हैं। बोरिस जॉनसन जैसी बात कर लीजिए कि मुझे नहीं पता था, मतलब देखो मैं तो कह रहा हूँ किसी तरीके से कोई इसका जवाब, आप दुनिया की हर बात कर लेते हैं लेकिन आप इसका कोई जवाब नहीं देते।
अब इंशाल्लाह ये चलान दोबारा आगे दाखिल किया जाएगा और गाय बगाय मैं आपको इससे आगाह भी करता रहूँगा जो लीगल पोजीशन है। तो आज मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है मैं फिर तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, वो यही है डिसमिस्ड एज विड्रॉन। आज आपके अंडर काम करने वाले इदारे ने वो वापस चली गई, वो उसका रेफरेंस जो आप पूछेंगे कि क्या वजह हुई, क्यों आपकी नाकामी हुई, क्यों आपको अदालत ने वापस किया? सर लगता है आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी नहीं है। मैंने आपको यही बताया है कि FIA ने जब चलान अदालत के हुक्म के ऊपर बैंकिंग कोर्ट में जमा कराया तो साथ उसके एक दरख्वास्त जमा कराई कि आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है। तो कोर्ट ने आज FIA की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और कहा कि जी हमारी अदालत की जुरिसडिक्शन नहीं है, आप दूसरी अदालत में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आज मुझे FIA को और उनकी लीगल टीम को इनाम देना चाहिए कि उन्होंने अदालत के सामने सही स्टांस लिया और शहबाज शरीफ और उनके महंगे तरीन वकला नाकाम हुए। दरअसल ये बताइएगा कि जो शहबाज शरीफ का मामला है, जो उसने जमानत दी थी नवाज शरीफ की, उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट जा रही है कोर्ट में, उसमें साबित हो गया ज़ाहिर है अगर हो जाए तो क्या सजा शहबाज शरीफ को हो सकती है, फाइन या सजा क्या हो सकती है? देखें जो शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो बात है कि उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अदालत के हुक्म की क्या वो पासदारी की गई, क्योंकि जब कैबिनेट की तरफ से भी रिसेंटली आपको पता है कि ये इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं लीगल टीम को अटॉर्नी जनरल साहब को कि क्योंकि उस मुकदमे में फेडरल गवर्नमेंट पार्टी थी, क्योंकि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को जाने की एक दफ़ा इजाज़त दी थी, उसमें एक शर्त थी कि आपने श्योरिटी बॉन्ड देनी है अपने पे आयदशुदा जुर्माने की, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी पर्सनल अंडरटेकिंग के ऊपर ख़त्म कर दी। लेकिन उस अंडरटेकिंग की कुछ शराइत थी, उनमें से एक शर्त तो ये थी कि वो अपनी सेहत याबी के बाद वापस आएंगे। अब सेहत याबी का डिटर्मिनेशन कैसे होना है, उसका क्राइटेरिया यही है कि ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स सबमिट कराएंगे। आज दिन तक इन्होंने अपने डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंस रमेश पता नहीं उसका सर नेम और क्या है, तीन उसके नाम हैं, उसके लेटर्स के सिवा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया। अभी तक शायद कोई दो या चार इनके शायद जमा हुए होंगे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो तमाम डॉक्टर ये लॉरेंस रमेश जो है ये इसी के सर्टिफिकेट्स हैं, लेटर्स हैं कि जिसके अंदर यही लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ बड़ा बीमार है। लेकिन उसका क्या इलाज हुआ है, नवाज शरीफ बड़ा बीमार है ये तो कौम को पिछले 40 साल से पता है, लेकिन ये तो बता देना कि उसकी बीमारी का इलाज क्या हो रहा है जिसके लिए वो लंदन गया था, वो इसलिए तो नहीं क्या हुआ कि वो बीमार है लंदन गया। तो उसके ऊपर फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को एक मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए लिखा है कि आप डिटर्मिन कर दीजिए कि ये जो इन्होंने कोर्ट में अपने लेटर्स जमा करवाए हैं डॉक्टर रमेश के, वो क्या ये साबित करते हैं कि नवाज शरीफ बीमार है या उसका कोई इलाज हो रहा है और उसके आने की कोई तवक्को है। उसके बाद एक तीसरी शर्त भी उस अंडरटेकिंग के अंदर ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान के को अगर ये लगे कि आपकी इनकी ये सेहत ठीक हो चुकी है और ये वापस नहीं आ रहे तो इनके नामजद करदा नुमाइंदे वो जारी पता को हाई कमीशन का वहाँ बंदा हो जिसको एक्सेस दी जाए इनके मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजिशन जो भी हैं जो कि उससे जाके ये बात की तस्दीक कर सके कि इनका इलाज हो रहा है। उस बाबत भी ये हुकुम अदूली कर चुके हैं क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इनको बाकायदा तौर पर लिख चुकी है माजी में कि जी आप अपनी सेहत से मुतलक हमें ये एक्सेस दें, तो उसका भी इन्होंने हमें कोई एक्सेस नहीं दिया। तो ग्राउंड्स सारे अवेलेबल हैं कि उन्होंने अदालत की हुकुम अदूली की है। अगर ये अदालत के सामने साबित होता है तो अब दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ऑप्शन अदालत के सामने ये है कि अगर ये साबित होता है तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है क्योंकि इन्होंने अदालत में कंटेम्प्ट की है उसका ऑर्डर ना मान के, और अदालत इनको स्पेसिफिक डायरेक्शन भी जारी कर सकती है कि जी आप उनको लेके आएं अदालत में पेश करें। उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब पाबंद होंगे और अगर वो फेल होते हैं उनको पेश करने से तो वो फिर कंटेम्प्ट हो जाएगी। तो जो इस अंडरटेकिंग के बाद उनकी जो पोजीशन है और वफाकी हुकूमत ने जो भी पोजीशन ली है, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए जो कि खुद कहते थे जी कि हम खुद ही आ रहे हैं, अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि ना करना, क्योंकि अदालत भी देखिए कंटेम्प्ट लगाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि शायद वो शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन जारी करेगी जी आप उनको लेके आए, क्योंकि अदालत की इंस्ट्रक्शन नवाज शरीफ के बारे में तो ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर चुकी है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले इश्तियारी डिक्लेयर करने से पहले
उनको बकायदा उन्होंने मौका भी दिया था कि जी आप वापस आ जाए, तो वो नहीं आए, जिसका मतलब है कि कोर्ट